आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 11 के साथ बैठक कर रहे हैं। आपको बता दें कोरोना काल जो चल रहा है उसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से चर्चाएं की जाती हैं, मंथन किया जाता है। टीम 11 के साथ लगातार वो बैठकें करते हैं कि किस तरीके से ये जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उनको हम कम कर सकते हैं। हर एक चीज को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद सतर्क दिखाई दे रहे हैं। उनकी तरफ से जो व्यवस्थाओं पर निगरानी रखी जा रही है वो बकायद तारीफ के काबिल है। लगातार हर एक चीज का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद निगरानी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की कहीं पर लापरवाही नहीं हो रही है। लाइव तस्वीरें लखनऊ से आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 11 के साथ बैठक कर रहे हैं। कोरोना को लेकर मंथन किया जा रहा है, चर्चा की जाती है कि कहां कुछ कमी आ रही है, टेस्टिंग को किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं और लगातार टेस्टिंग बढ़ भी रही है। तो वहीं साथ ही साथ आरोग्य सेतु ऐप से भी लगातार लोगों पर निगरानी रखी जा रही है। आशा वर्कर्स को भी कई तरीके के निर्देश जारी किए गए हैं कि किस तरीके से वो काम करें और लोगों के ऊपर निगरानी रखें। तो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कई सारी योजनाएं भी चलाई गई हैं, वो श्रमिक मजदूरों के लिए हो या फिर बच्चों के लिए हो। लगातार जो प्रवासी मजदूरों का लौटने का सिलसिला उत्तर प्रदेश में जारी है उसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कई सारी व्यवस्थाएं कराई गई हैं। उनको खाने की किट बांटी गई है, परिवार वालों के राशन कार्ड बनवाए जा रहे हैं, 1,000 रुपये उनके अकाउंट में भेजे गए हैं और स्किल मैपिंग के माध्यम से उनको रोजगार देने का भी काम शुरू किया जा रहा है। तो हर एक चीज को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सतर्क है, उनकी तरफ से कई सारी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं और लगातार वो टीम 11 के साथ बैठक भी करते हैं। और लखनऊ से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 11 के साथ बैठक करते नजर आ रहे हैं। कोरोना को लेकर ये चर्चा की जा रही है कि किस तरीके से जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उनको कम किया जा सकता है और क्या कुछ व्यवस्थाएं आगे लाई जा सकती हैं जिससे कहां क्या कुछ कमी रह गई है, इसी को लेकर मंथन किया जाता है, चर्चा की जाती है। और टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय बैठक कर रहे हैं, कोरोना को लेकर उनकी तरफ से अपडेट लिया जाता है। साथ ही साथ जिले के हर एक अधिकारी को कई तरीके के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और मास्क का प्रयोग किया जाए, साथ ही साथ किसी अपने आप को कोरोना से बचाव के कई प्रकार के दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार हर एक चीज को लेकर सतर्क दिखाई दे रहे हैं, रोज उनकी तरफ से बैठकें की जा रही हैं, हर एक व्यवस्थाओं की खुद ही जायजा लेते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 11 के साथ इस समय बैठक कर रहे हैं। लखनऊ से आपको लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर कोरोना को लेकर मंथन किया जा रहा है, क्या कुछ अपडेट हैं, क्या कुछ और आगे किया जा सकता है, टेस्टिंग को लगातार बढ़ाया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें पहले टेस्टिंग में काफी समय लग जाता था लेकिन अब ट्रूनॉट मशीन आ गई है, आगरा फतेहपुर और कई जिलों में ट्रूनॉट मशीन को लगवा दिया गया है। ट्रूनॉट मशीन से 1 घंटे में ही कोरोना की जांच आ जाती है जिससे काफी आसानी हो गई है। पहले लोगों को और परेशानी होती थी लेकिन ट्रूनॉट मशीन के आने से लोगों को काफी हद तक अब परेशानी नहीं हो रही, लगातार टेस्टिंग बढ़ाई भी जा रही है और हर एक चीज के व्यवस्थाओं का जायजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेते रहते हैं। लगातार उनकी तरफ से बैठकों का दौर जारी है, टीम 11 के साथ वो बैठक कर रहे हैं, लखनऊ से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। कोरोना को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ इस समय टीम 11 के साथ बैठक कर रहे हैं, लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से हर एक चीज की का जायजा लिया जाता है। श्रमिक मजदूरों को भी लगातार व्यवस्थाएं उनकी तरफ से देखी जा रही हैं कि उनको कोई परेशानी ना हो पाए और उनको खाने की किट भी वितरित की गई है। तो वहीं उनके राशन कार्ड भी बनवाए जा रहे हैं, 1,000 रुपये उनके अकाउंट में भी आया है। तो साथ ही साथ उनको रोजगार देने की भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बात कर रहे हैं। स्किल मैपिंग के माध्यम से सभी को रोजगार दिया जाएगा, जो श्रमिक जिस चीज को जानता है उसी को लेकर उसको आगे बढ़ाया जाएगा और उसी क्षेत्र में उसको नौकरी प्रदान की जाएगी, उसकी स्किल मैपिंग लगातार की जा रही है। तो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कई सारी योजनाओं को लाया जा रहा है कि किसी तरीके से प्रदेशवासियों को कोई प्रकार की परेशानी ना हो पाए और लगातार उनकी तरफ से हर एक चीज का ध्यान रखा जा रहा है, वो निगरानी रख रहे हैं, किसी भी प्रकार की लापरवाही उनकी तरफ से बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय बैठक कर रहे हैं, कोरोना को लेकर ये मंथन चल रहा है, चर्चा की जा रही है कि किस तरीके से हम आंकड़ों को कम कर सकते हैं और क्या कुछ चीज़ें हम ला सकते हैं जिससे लोगों की जो परेशानी है उसको हम किसी प्रकार से कम कर सकें।
लखनऊ से लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 11 के साथ बैठक कर रहे हैं। कोरोना को लेकर ये बैठक की जा रही है और रोज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 11 के साथ बैठक करते हैं। कोरोना को लेकर उनकी तरफ से मंथन किया जाता है, चर्चा की जाती है कि हर जिले का क्या हाल है, किस तरीके से टेस्टिंग की जा रही है, कहीं किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं, और अगर कोई परेशानी होती है तो तुरंत उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आदेश जारी करते हैं। हर एक जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने जिले का ध्यान रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का बखूबी पालन किया जाए, हर एक व्यक्ति को मास्क का इस्तेमाल करना जरूरी है। कई प्रकार के दिशा निर्देश उनकी तरफ से लगातार दिए जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में लगातार जो टेस्टिंग का सिलसिला है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। पहले एक दिन में सिर्फ 50 टेस्टिंग होती थी, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ चुका है। ट्रूनॉट मशीनें आने के बाद और भी ज्यादा आसानी हो गई है, अब एक घंटे में ही जांच आ जाती है और आसानी से जांच होने लगी है। फतेहपुर आगरा की बात की जाए तो वहां पर काफी परेशानी हो जाती थी, दूसरे जिले जाना पड़ता था अपनी जांच करवाने के लिए, लेकिन जब से ट्रूनॉट मशीन आई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्रूनॉट मशीनों को लगा दिया है, जिससे काफी हद तक लोगों को अब परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा है और लोगों को सुविधाएं हो गई हैं। इस कोरोना काल में जिस तरीके से लोग परेशान हैं, लॉकडाउन की वजह से लोगों को जो परेशानियां आई हैं, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार व्यवस्थाएं कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार को कोई भी उत्तर प्रदेश का वासी भूखा ना रह पाए। हर एक व्यक्ति को राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है, रोजगार जो श्रमिक मजदूर लगातार आ रहे हैं उनको रोजगार देने का सिलसिला भी जारी है, स्किल मैपिंग लगातार की जा रही है। अब बात की जाए क्वारंटाइन सेंटर्स की तो वहाँ पर भी हर एक चीज़ का व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। लगातार अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि किसी प्रकार की क्वारंटाइन सेंटर्स में लापरवाही ना हो पाए और जो भी श्रमिक मजदूर आ रहे हैं उनको 14 दिन का क्वारंटाइन किया जाए, या फिर वो अगर अब होम क्वारंटाइन है तो उसको भी अच्छे से होम क्वारंटाइन का भी पालन किया जा रहा है। तो लगातार उनकी तरफ से व्यवस्थाएं देखी जा रही है, निगरानी उनकी तरफ से लगातार बनी हुई है, अधिकारियों को भी दिशा निर्देश उनकी तरफ से लगातार दिए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस समय टीम 11 के साथ बैठक कर रहे हैं। कोरोना को लेकर ये बैठक हो रही है, कोरोना को लेकर मंथन किया जा रहा है, चर्चा की जा रही है कि किस तरीके से क्या कुछ अपडेट हैं कोरोना को लेकर उनकी तरफ से इस बैठक में पूछा जा रहा है। दिशा निर्देश भी उनकी तरफ से अधिकारियों को दिए जाते हैं कि और आगे हम क्या कुछ कर सकते हैं जिससे ये जो दौर चल रहा है इससे आसानी से हम बाहर निकल पाएं और कोरोना से जीत पाएं। अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं। लखनऊ से लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 11 के साथ बैठक कर रहे हैं। लगातार हर एक चीज का जायजा लेते रहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनकी तरफ से कई सारी योजनाएं लाई गई हैं, व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। और अगर बात की जाए आरोग्य सेतु ऐप की, तो एक ये भी काफी अच्छा माध्यम बन गया है। किसे भी कई लोगों के का डेटा निकाला जा चुका है, उनको कॉल भी की जा चुकी है कि वो उनका स्वास्थ्य कैसा है, कई सारी चीजें आरोग्य सेतु ऐप से भी निकलकर सामने आई हैं। आशा वर्कर्स की अगर बात की जाए तो वो भी लगातार काम कर रही हैं, हर एक जगह जाकर उनकी तरफ से जायजा लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कई हॉस्पिटल्स पर भी जाकर के निरीक्षण करते रहते हैं कि वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसी हैं, कई मरीजों को किसी प्रकार से कोई परेशानी तो नहीं है, और जो श्रमिक मजदूर वापस आए हैं प्रदेश में उनसे भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बात करी थी, उनसे भी उनका हाल जाना था और हर एक चीज का जायजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से लिया जा रहा है। लखनऊ से लाइव तस्वीरें आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 11 के साथ बैठक कर रहे हैं। तो लखनऊ से आपको हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे।